और जैसे कि हम लोग आज विजिट किए हैं टॉपर्स एकेडमी में, जैसे कि आप लोग ये बोर्ड देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, काउंसलर से अबाउट द नीट एग्ज़ाम एंड IIT JEE के बारे में। हाय, आई एम रिया भौमिक और मैं हिंदू जोन से हूँ, और हम यहाँ पे नोएडा में आए हुए हैं, और जैसे कि हम लोग आज विजिट किए हैं टॉपर्स एकेडमी में, जैसे कि आप लोग ये बोर्ड देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, काउंसलर से अबाउट द नीट एग्ज़ाम एंड IIT JEE के बारे में, और जानेंगे बहुत सारी बातें जो स्टूडेंट्स एक्चुअली में आते हैं पूछने के लिए, तो हम लोग सारे बातें को निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं, आइए हमारे साथ। तो आज मैं आई हूँ टॉपर्स एकेडमी में, और मेरे सामने बैठी है सीनियर काउंसलर मिस निशी। सो निशी, हाय निशी। हाय मैम। सो निशी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के टॉपर्स एकेडमी में किस चीज़ की प्रिपरेशन होती है? हमारे यहाँ बेसिकली नीट, जो कि एक मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और दूसरा हमारा है IIT JEE इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स, इस दोनों के लिए हम प्रिपेयर करवाते हैं बच्चों को। ओके, तो कहा जाते हैं कि जैसे नीट एक बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम है, ये मिथ है या सच में एक टफेस्ट एग्ज़ाम है? नहीं, ये टफेस्ट एग्ज़ाम तो नहीं, हाँ एक हार्ड एग्ज़ाम ज़रूर है। अगर किसी भी बच्चों किसी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है आफ्टर 12th, सो उसको ये नीट एग्ज़ाम देना ही होगा, उसके बाद ही वो एलिजिबल होगा सारे एग्ज़ाम्स अपने कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। और यही हम सेम IIT के लिए भी करें, किसी भी अगर इंजीनियरिंग कोर्स में उसको एडमिशन लेना है किसी भी कॉलेज में, IIT के कॉलेज हो या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उसको IIT JEE एग्ज़ाम देना होगा। सो मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि नीट में सब्जेक्ट्स वाइज सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट्स कौन सा है, और बच्चे को इस चीज़ में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितना वक्त उस सब्जेक्ट को देना चाहिए जो सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट माने जाते हैं नीट में? एक टफेस्ट तो नहीं, सारे तीनों ही सब्जेक्ट्स, जैसे कि हमारे जो तीन सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो टफेस्ट तो कोई भी नहीं है। अगर सब बच्चे अपने हिसाब से तैयारी करें तो सारे ही सब्जेक्ट्स उनके लिए इक्वली रहेंगे। बेसिक जो उनका वीक रहता है वो फिजिक्स ज़्यादा बच्चों की वीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टेंथ में जो सब्जेक्ट्स 11th में चूज़ करते हैं बायो, वो मैथ्स के डर से चूज़ करते हैं कि मैथ्स हमें छोड़ देंगे और बायो हम ले लेंगे, तो उन्हें नीट पे ऑप्शंस मिल जाएंगे ज़्यादातर। बट नहीं, फिजिक्स पे भी उन्हें उतना ही ध्यान देता है, उनको बायो भी देना। हाँ, बायो स्कोरिंग सब्जेक्ट ज़रूर होता है नीट में, लाइक ज़्यादातर जो वेटेज होती है मार्क्स की वो बायो की ज़्यादा होती है। बायो की वजह से बच्चे क्वालिफाई ज़रूर कर पाता है एग्ज़ाम, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो उसकी रैंक बढ़ाने में मदद करते हैं। मैम, क्वांटिटेटिव पार्ट जो होता है वो बच्चे को सबसे ज़्यादा टफेस्ट लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि घबराते हैं क्वांटिटेटिव पार्ट को लेके, तो आपका क्या कहना है किस तरीके से ये क्वांटिटेटिव पार्ट को, वो एप्टीट्यूड को मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से इसमें स्कोरिंग कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके सारे थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होने चाहिए, उस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, किसी जितनी भी पब्लिशिंग की आपकी प्रैक्टिस पेपर्स हो, उस टॉपिक को इतना अच्छे से क्लियर कर लो ताकि जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए वो आप कर सको, चाहे कितने भी टाइम पे आप करो, बट वो टॉपिक इतना अच्छे से तैयार कर लो, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस कभी आपके पास आए तो आप उसको कर सको सोल्यूशन उसका। मैम, तो नीट की प्रिपरेशन कब से शुरू करने चाहिए बच्चों को? पहली बात तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट में क्लियर है कि क्लास 11th के बाद या क्लास 12th के बाद या क्लास 10th के बाद ही वो नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दे, और इस प्रिपरेशन को कितना वक्त है और कितना टाइम की प्रिपरेशन है ये? क्या बच्चे एक आइटम में तो निकाल सकते हैं, लेकिन कब से इसकी प्रिपरेशन मतलब वो शुरू करें कि वो बच्चे एक ही आइटम में निकल जाए काफ़ी अच्छे स्कोर लेके और अच्छे उनको मुकाम मिल हासिल हो जाए? लाइक ज़्यादातर बच्चे जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं वो 10th के बाद करते हैं, लाइक 10th तक तो उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एज अ साइंस सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद वो अपने स्ट्रीम चूज़ करते हैं इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के लिए। तो इंजीनियरिंग होगा तो वो मैथ्स ले लेंगे, बायो में इंटरेस्ट होगा तो वो नीट के थ्रू जाएंगे। तो 11th क्लास से भी हम अगर टॉपर्स एकेडमी की बात करूँ तो हम 11th क्लास से भी क्लासेस स्टार्ट करवाते हैं इंजीनियरिंग और IIT नीट के लिए, बट 7th क्लास से भी बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है अपनी। वो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं हमारे, 7 to 10th हम देते हैं प्री फाउंडेशन बैचेस, और आफ्टर 11th 12th और आफ्टर 12th हमारे रहते हैं फाउंडेशन बैचेस। तो स्कूल के साथ साथ बच्चा अपने आप को नीट या फिर IIT JEE दोनों के लिए प्रिपेयर कर सकता है। स्कूल का सिलेबस भी हम कवर कराते हैं साथ के साथ, वो IIT और नीट
दोनों का एग्जाम के लिए वो खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं. लाइक स्कूल के लिए उनको अलग से किसी और कोचिंग की या फिर क्लासेस की जरूरत नहीं होगी, यहीं पर हम दोनों चीज़ों की कवर अप कराते हैं. मैम सिलेबस क्या सिमिलर होते हैं, जैसे 11th 12th का सिलेबस ही लगभग होता है, या फिर कुछ सिलेबस कुछ अलग तरीके का होता है, जैसे बच्चों को इसलिए अलग तरीके से प्रिपरेशन मतलब करना पड़ता है नीट को लेके, अदरवाइज हम ये भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने 11th 12th में अच्छे स्कोरिंग किया है तो उनको प्रिपरेशन लेने की इस पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. लेकिन ऐसा क्या मतलब टॉपर्स एकेडमी करवाते हैं जो हम बोल सकते हैं कि हाँ यू कम एंड टेक द क्लासेस फ्रॉम यू नो टॉपर्स एकेडमी एंड लाइक सब्जेक्ट्स जो हैं आपके जो 11th में और 12th सिलेबस तो वही रहेगा जो नीट में आना है आपका 11th 12th बेस्ड ही रहता है. हाँ एनसीईआरटी पे हम फोकस ज़्यादा करते हैं, नीट का एग्जाम टोटली बेस्ड होता है एनसीईआरटी पे. स्कूल्स में इतना ध्यान नहीं दिया जाता एनसीईआरटी पे, जो कि हम टॉपर्स अकेडमी में नीट के प्रिपरेशन के दौरान हम करवाते हैं. तो ओवरऑल पैटर्न जो है नीट का वो एनसीईआरटी पर डिपेंड रहता है, वो हम ज़्यादा उस पर अहमियत देते हैं ताकि बच्चा अच्छे से नीट में स्कोर कर पाए. मैम आपके यहाँ पे जो टॉपर्स एकेडमी में सिलेक्शन रेशियो क्या है मैम, जैसे दूसरे एकेडमी से आप अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो आप लोग ऐसे क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि हम बोल सकते हैं कि हाँ टॉपर्स एकेडमी आर बेस्ट फॉर द नीट एग्जाम प्रिपरेशन. एवरी ईयर हमारे जो सक्सेस रेशियो रेट रहता है वो 60% रहता है. तो ओवरऑल इंडिया तो हम क्लासेस देते हैं, आउट ऑफ द इंडिया के बच्चे भी हमसे कनेक्टेड हैं, लाइक दुबई एंड अदर इंटरनेशनल यूएसए के बच्चे भी हमारे पास हैं. तो डिफरेंस अगर दूसरी कोचिंग से मैं कंपेयर करूं, वैसे तो नहीं करना चाहिए, बैच साइज सबसे कम हमारे यहाँ 20 बच्चों का हम बैच देते हैं एक क्लास का, और इतना कम बैच साइज आई डोंट थिंक कहीं और मिलेगा. 200 से 250 बच्चे हर एक बैचेस में होते हैं, और बच्चे जब आते हैं ना यहाँ पे सबसे पहले उनका क्वेश्चन पेरेंट्स का यही रहता है कि आपके बैच में बच्चे कितने हैं, क्या इनकी क्वेरी सॉल्व हो पाएंगी, बच्चा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, टीचर से ज़्यादा भीड़ होगी तो बच्चे भी कैसे क्वेश्चंस करेंगे, टीचर से पर डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते. यहाँ टॉपर्स एकेडमी में कम से कम बच्चे रहते हैं तो उनके डाउट्स अच्छे से क्लियर होते हैं, टीचर हर एक बच्चे पे पर्टिकुलरली ध्यान दे पाता है, और बाकी अफोर्डेबल फीस. मैम ये क्या जो नीट का जो प्रिपरेशन होती है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो बाहर रहते नहीं आ पाएंगे दिल्ली, तो उनके लिए क्या कम्फर्टेबल जोन ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आप लोग क्या देते हो? बेसिकली हम देते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, लोकेशन वाइज बेस्ड होता है. लाइक अगर बच्चा नोएडा या दिल्ली का है तो हम उसको यहाँ के ब्रांचेस में ऑफलाइन बैचेस वो ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज साउथ की बात करें या फिर आउट ऑफ इंडिया की बात करें वो सारे ही बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं. एज फैकल्टी सेम है हमारी, जो हमारा मेन फैक्टर वो ये है, किसी बच्चों को और पेरेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि क्या जो टीचर्स ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही सेम ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, उनको यह है कि ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, ऑनलाइन में बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर पाता. बट हमारे जो फैकल्टी है वो ऑफलाइन में भी सेम है, ऑनलाइन में भी सेम है, तो वो डिफरेंस है ही नहीं. तो हाँ ऑनलाइन बाहर के बच्चों के लिए ज़्यादा सुटेबल रहता है. मैम आप कुछ मोटिवेटेड लाइन बताइए 3-4 जिससे बच्चे मोटिवेट हो और नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और ज़्यादा उत्साहित हो. मोटिवेट के लिए अगर मैं कहूँ तो लाइक अभी तो एग्ज़ाम आपका जो नेक्स्ट नीट का है उनके लिए, जो बच्चे उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बस यही कहूँगी कि अभी ज़्यादा अपना कोर्स कंप्लीट करने पे ध्यान दीजिए. लाइक जनवरी तक अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए एंड बाकी अपना सारा टाइम रिविजन और टेस्ट सीरीज़ को दीजिए. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप देखोगे कहाँ आपकी गलतियाँ हैं, उनको सुधारोगे. एंड टाइम का ध्यान रखिए, कब कितने सब्जेक्ट्स को कितनी आपको टाइम देना है. ये नहीं कि सारा टाइम आपने बायो में ही दे दिया, बायो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है बट ज़्यादा वो जो दोनों आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है उस पर भी आपको ध्यान देना हो, क्योंकि वो आपके रैंक को बढ़ाएंगे. सो यही है. तो थैंक यू निशी मैम. निशी मैम से काफ़ी कुछ जानने को मिला अबाउट नीट. सो बच्चे हम तो आपको यही कहेंगे कि कम टू द टॉपर्स एकेडमी एंड आप भी अगर बनना चाहते हैं नीट के एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आइए और हमारे सीनियर काउंसलर मैम जो बैठी हुई है निशी मैम तो उनसे आप जानकारी लीजिए इस बारे में. मेरे सामने सीनियर काउंसलर वंदना मैम बैठी हुई है और हाय वंदना मैम. हेलो वंदना मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप किस चीज़ के काउंसलर हैं और आप यहाँ पे क्या काउंसलिंग करवाते हैं? मैम मैं नीट और आईआईटी की काउंसलिंग करवाती हूँ. ओके सो मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आईआईटी एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होता है, हर साल कब कंडक्ट करवाए जाते हैं? मेनली मैम आईआईटी जेई के दो एग्ज़ाम्स होते हैं, एक आईआईटी जेई मेंस एंड आईआईटी जेई एडवांस. ये दो एग्ज़ाम्स होते हैं. जेई मेंस जो है वो साल में दो बार कंडक्ट करवाया जाता है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद आप एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं और उसका एग्ज़ाम आप देते हैं जेई एडवांस का.
मैम तो मोस्टली स्टूडेंट का क्या सवाल होते हैं ऐसे आप लोगों से, आप एक काउंसलर्स हैं तो मोस्टली सवाल आते हैं कि इसका फी स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर किस तरीके से आप इनको ये एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे किस तरीके, तो वही आप लोगों के सामने एज अ स्टूडेंट्स आके आपसे मतलब सवाले करते होंगे। तो मैम आप कुछ बताइए कि आईआईटी जेईई के बारे में कि कितनी चैलेंजिंग है, मतलब कितना चैलेंजिंग है ये। मैम देखिए सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनका सबसे बेनिफिट होता है कि हमारा बैच साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, मतलब एक बैच में 15 से 20 बच्चे रहते हैं। इससे क्या होता है टीचर से इजीली वो इंटरेक्ट कर पाते हैं, जो भी उनके डाउट्स रहते हैं वो टीचर से वन टू वन पूछ सकते हैं, ये बेनिफिट होता है उनका। और मैम मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आईआईटी के लिए बच्चों को कितना वक्त एक स्टूडेंट को देना चाहिए आपके हिसाब से, एज आप काउंसलर हो तो एक स्टूडेंट को कितना वक्त एक डिवोट करना चाहिए इस सबसे ज़्यादा ये जो टफेस्ट एग्ज़ाम है आईआईटी जेईई का उसमें। मैम देखिए कम से कम मिनिमम बच्चों को सेल्फ स्टडी 7 to 8 hours करना चाहिए, सेल्फ स्टडी 7 to 8 hours। और मैम आप कुछ बच्चों को बोलना चाहेंगे, कुछ ऐसा कुछ मोटिवेशन, कुछ ऐसा कुछ वर्ड्स जो बच्चों को इस ये जो बच्चे को एक जो फियर जो होता है वो एक कॉन्फिडेंट में बदल जाए। फर्स्ट आपके जो मेंस का एग्ज़ाम है जेईई मेंस का वो आपका जनवरी या फेब में कंडक्ट होने वाला है, तो बच्चे फिलहाल अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो पैनिक कर रहे हैं कि उनका कैसे एग्ज़ाम्स दे पाएँ, कैसे एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे। तो उनसे मेरा यही कहना है कि टेंशन ना ले, पढ़ाई पर ध्यान दे, जो भी उनके डाउट्स है वो अपने डाउट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा करके अपने डाउट्स पूछे टॉपर्स में आ करके, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है सारी यहाँ पर सॉल्व कर जाएगी और फ्री होकर के आराम से प्रिपरेशन करें बिना किसी टेंशन के। और मैम एक और लास्ट सवाल, मैम आप सिलेबस को थोड़ा ब्रीफली आप बता सकते हैं कि और सिलेबस में किस सब्जेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए, अगर आप क्योंकि आप ऐसे काउंसलर हैं तो बच्चे का ये सवाल होता है कि मैम हम किस सब्जेक्ट में फोकस करें, कौन से हमारे फोकसेबल सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये बच्चे का जनरल नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, तो आप क्या कहेंगे मैम। देखिए मैम वैसे तो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे जेईई मेंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, तीनों ही सब्जेक्ट मतलब पर्टिकुलर होते हैं कि उनमें तीनों में ही आपको जो है स्कोर अच्छा करना होता है, देन तभी जाके आपका परसेंटाइल अच्छा बनेगा, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे, तो सभी तीनों सब्जेक्ट्स पे आपको प्रॉपरली फोकस करना है। सो धन्यवाद वंदना जी, थैंक यू। हमें मोस्टली सारे सवालों का हमें जवाब मिल गया है और हम यही चाहेंगे कि जब तक आप इस एकेडमी जैसे टॉपर्स एकेडमी को जब तक आप विजिट नहीं करेंगे आप नहीं जान पाएंगे कि इस एकेडमी की क्या खासियत है, तो आप प्लीज़ आइए और विजिट कीजिए हमारे टॉपर्स एकेडमी को। जैसे कि वंदना मैम ने कहा है कि वो लोग बहुत कम बच्चों को यहाँ पे मतलब बहुत कम बच्चे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और बहुत अच्छे फैकल्टीज़ है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करवाए जाते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि एक बार आइए और विज़िट कीजिए और देखिए कि एक्चुअली में टॉपर्स एकेडमी का क्या रोल है। अभी हम बात करेंगे यहाँ के सीनियर फैकल्टी से, लोकेंद्र सर से। तो लोकेंद्र सर आप किस चीज़ के फैकल्टी हैं? केमिस्ट्री फैकल्टी। अच्छा तो लोकेंद्र सर आप ये बताइए टॉपर्स एकेडमी में नीट एंड आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन होता है, आप दोनों ही के लिए पढ़ाते हैं? हाँ जी। तो सर आप केमिस्ट्री की कितनी इम्पोर्टेंस है नीट एग्ज़ाम में एंड आईआईटी जेईई में, वो मैं आपके जानना चाहूँगी। सो तीन सब्जेक्ट होते हैं जो नीट और जेईई में आते हैं, तीनों सब्जेक्ट का इक्वल परसेंटेज होता है, इक्वल वेटेज होता है। अब क्या है कि केमिस्ट्री में जो है मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी होता है, अगर मान लीजिए हम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में जेईई की बात करें इंडिविजुअल इक्वल टाइम दें तो उतना ही टाइम देके हम केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, तो ये वेटेज होता है, इक्वल वेटेज होता है, परंतु कम मेहनत में हम एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो सर केमिस्ट्री में मेनली क्या फॉर्मूलाज का गेम होता है या फिर थियोरेटिकल पार्ट का ज़्यादा गेम होता है? देखिए एक्चुअली ये फिर केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में थियरीज होती है, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होती हैं, मैकेनिज्म होती हैं, उनके पीछे रीज़न होता है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्यों बना। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री सो देर आर सम फॉर्मूलाज, सम इक्वेशंस, वी विल हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज, सम कैलकुलेशन पार्ट इज देयर इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल केमिस्ट्री।
तो सर हम पूछना चाहेंगे कि नीट में कितने मार्क्स का ये केमिस्ट्री का पेपर आता है और बच्चे को कितना टाइम इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट को देना चाहिए रादर देन अदर सब्जेक्ट्स? ये डिपेंड करता है कि कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा है और कितना कमज़ोर है। ये हमें पता चलता है जब बच्चे का हम टेस्ट लेते हैं, हमें उसका परफॉर्मेंस पता चलता है, हम उसको वैसे ऑब्जर्व भी करते हैं क्लास में, वी ऑब्जर्व ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे हर जो बैच में है बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम आराम से इंडिविजुअल उनका ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो उसकी परफॉर्मेंस है टेस्ट में और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमको पता चल रहा है, हम उसके हिसाब से उसको गाइड करते हैं कि उसको कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, इस आधार पे हम डिसीजन लेते हैं। तो सर आपके लिए ये जो केमिस्ट्री ऑब्वियसली चैलेंजिंग नहीं होगा, बट स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं कभी कभार, क्योंकि फार्मूलाज के बेसिस में अगर बताया जाए तो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, जब कंपाउंड इंटरेस्ट, जब कंपाउंड सब मिला के जो एक फार्मूला जो बनते हैं उसको बनाने में बहुत दिक्कतें होती है। तो सर आपके लिए भी ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है, बच्चों के लिए तो हो ही जाता है, आपके लिए कितना पार्ट ये चैलेंजिंग रहता है? आप इतने घंटे पढ़ाते हैं तो बच्चों को उसके बाद भी डाउट्स होता ही होता है, बट सर आपके लिए पार्ट कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है और बच्चों के लिए जब वो नहीं समझ पाते हैं और ये सब? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप किसी सब्जेक्ट को कैसे डील कर रहे हैं। अब आपकी डील करने पे डिपेंड करता है, अगर आप केमिस्ट्री को डील करते हैं समझ लिए मैं कोई रिएक्शंस देख रहा हूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट फार्मूलाज एंड प्रोडक्ट्स, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अगर मुझे मैकेनिज्म नहीं पता कि इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट बन रहा है, क्यों बन रहा है, तो मुझे ये समझना पड़ेगा। कोई भी रिएक्शन समझने से पहले मुझे उसकी मैकेनिज्म समझनी चाहिए, तब मुझे रिएक्शन समझनी चाहिए, ये डिपेंड करता है। कुछ कंसेप्ट होते हैं जैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वी डील विद द मोल कंसेप्ट इन दैट चैप्टर, सो दैट टॉपिक इज इन्वॉल्व ऑल द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, वेदर इट इज अनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। सो हम किस तरह से चलते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो हमको शुरू में पढ़ लेने चाहिए, ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना चाहिए, फिजिकल में हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी, ऑल द चैप्टर्स आर नॉट इंटरनली इन्वॉल्व्ड, दे आर इंडिविजुअल, बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल चैप्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन ईच अदर, राइट? सो इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आल्सो we will have to start from some basic concept of chemistry, then other chapter like atomic structure, periodic table, and then we will have to move on chemical bonding. First we will all know about atoms, then bonding of atoms, then we'll go to the molecule, right? So what happens if a student is going to study chemical bonding, he's going direct to the molecules, he's not going to first atom, then bonding, then molecule, he's going to direct the molecule. So अगर हम डील कैसे कर रहे हैं, हम एक सीक्वेंस में डील नहीं करते हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये आपको कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपको एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी हैं बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, ज़्यादातर फैकल्टी आईआईटीयन ही हैं, और अगर कोई नहीं है तो वो बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से और अच्छा एक्सपीरियंस टीचर है। यहाँ पे बैचेस जो हैं स्मॉल बैचेस हैं, हम इंडिविजुअल उन पे ध्यान दे सकते हैं, हम उनके डाउट सेशन अरेंज कराते हैं, जैसे कोई भी चैप्टर खत्म होता है तो उसके बाद वी प्रोवाइड द क्वेश्चंस एंड वी टेक इंडिविजुअल वन क्लास फॉर द डाउट सेशन दैट वी हैव गिवन टू द क्वेश्चन टू ऑल द स्टूडेंट्स, राइट? सो फिर उसके बाद हम क्या कराते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि दो तीन महीने पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जैसे ट्वेल्थ के ज़्यादातर बैचे जिन्होंने टाइम से ज्वाइन कर लिया, उनका अब यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब दो तीन महीने हैं एग्जाम के लिए, तो उसमें क्या करेंगे हम, उनका मल्टीपल रिविज़न कराएंगे, उनको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए खुद से हम गाइडेंस करते हैं, फिर उसके बाद हम हर वीकेंड में उनके टेस्ट होंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके आधार पर उनको हम बातें करते हैं। उनके पेरेंट्स से भी हम बीच बीच में, उनके पेरेंट्स हमसे कभी भी आके बोल सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स कोई भी हो तो वो यहाँ पे बीच में मेडिएटर से कॉल करके कॉन्टेक्ट टीचर से कॉन्टेक्ट करा सकता है, अपना डाउट सेशन अरेंज करवा सकता है, पूरा बैच भी अरेंज करा सकता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर पीएसएल के क्वेश्चन या किसी इंस्टीट्यूट के कोई क्वेश्चन अगर उसको मान लो मिल जाता है, हम वैसे बहुत क्वेश्चन प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चा किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन करने लगता है, तो हम ये नहीं कि नहीं करेंगे, उसके लिए भी हम डाउट सेशन अरेंज करा देते हैं। सो थैंक यू लोकेंद्र सर आपके प्रीशियस टाइम के लिए और समय के लिए। और फ्रेंड्स हम बोलना चाहेंगे कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रट्टाफिकेशन से कभी नहीं आएगा, आपको उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लोकेंद्र सर से जो हमने डिटेल्स में जाना, उसके बाद मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं टॉपर्स एकेडमी में आके ही पढ़ूँ।